प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर होस्ट निम्रा अहमद को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। में उलझा हुआ है कच्चे बनाने में, अंडरवियर बनाने में। आपकी यहाँ फैक्ट्रीज तो कच्चे की ही है। अरे कोई कितना कच्चा आपसे खरीदेगा, कितना अंडरवियर खरीदेगा, वो भी आप चाइना का लोगो लगा करके बेचते हो। चाइना का माल ऐसे भी मतलब लोग विश्वास नहीं करते हैं, चाइना का बॉटल से लेकर के कच्चे तक लोग विश्वास नहीं करते हैं कि कब फट जाएगा, कब औजार बाहर निकल जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल आपसे भी करने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हर एक सेशन में होता क्या है निम्रा, आप मुझसे सवाल करती, मैं भारत के बारे में बताती हूँ और सबूतों और तथ्यों के आधार पर बताती हूँ। इवन ये मेरे लिए निम्रा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि 1.5 साल पहले तक क्या हो रहा था कि अवेसी जो बोलता था आप लोगों को सच लगता था, मदनी जो बोलता था वो आप लोगों को सच लगता था, कांग्रेस की तरफ से जो बातें आती थी वो आप लोगों को सच लगता था। आप लोग अपने दिमाग में ये चीज लेकर के बैठे हुए थे कि अरे मुसलमानों को ना भारत में बहुत परेशान किया जाता है, उनको तो सांस नहीं लेने दिया जाता है। तो आप अपने सिनेरियो को सोचते थे कि उससे बेटर तो हम ही है, कि हम कम से कम नमाज तो पढ़ पा रहे हैं, हम फातिया दुरूद तो कर पा रहे हैं, हम तो मौलवी मुल्लाओं का मुंह का बदबू तो ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बड़ा कंफर्टेबल लगता था, लेकिन जब से मैं बैठने लगी तब से आपको मुसलमानों की क्या वैल्यू है भारत में वो आपको समझ में आने लगा। तो आपके अंदर एक इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स आया कि भाई भारत के मुसलमान तो बहुत खुश है, भारत की मुसलमान बेटियां तो बड़े चौड़े में रहती हैं, भारत की मुसलमान बेटियां तो बड़ी सीना छाती चौड़ी करती रहती है, बड़ी शिक्षित है, बड़ी मॉडर्न है, और उनको कोई टच भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है मोदी जी के नेतृत्व में। तो आपके अंदर आया कि भाई हम जो पीछे हैं हमारी तो इज्जत कभी भी उतार दी जाती है। अभी देखिए मैं महरम को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं लिटरली ओपन चैनल पर आपके बोल रही हूँ और आपका प्रो पाकिस्तानी चैनल है, मैं महरम को बहुत सपोर्ट करती हूँ। अगर मुझे जिंदगी में कभी पाकिस्तान महरम से मिलने के लिए आना पड़ा तो मैं ब्लो जरूर आऊंगी और महरम के साथ मैं एक मीटिंग जरूर करूंगी। मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं ब्लोच जाकर के मैं महरम से मिलूं, क्योंकि आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे द औरत फाउंडेशन है या प्रिया को लेकर के जो 5 साल की बच्ची को अगवा किया गया है मियां मिट्टू के द्वारा, उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जिस हिसाब से महिलाएं पाकिस्तान के रोड पर उतरी थी, जिस हिसाब से महरम ने अपने लीगल राइट के लिए और ह्यूमन राइट के लिए उसने आवाज उठाई थी, मुझे लगता है आप लोगों को भी अब रोड पर उतरना चाहिए कि भाई छूओगे नहीं हमें, हम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो जैसे चाहोगे हमारा सलवार खोलोगे। आपके साथ तो निम्रा हुआ, आप पब्लिक रिएक्शन ले रही थी और किसी ने आपको बहुत गलत तरीके से टच किया, आप चिल्ला चिल्ली भी की और वो न्यूज काफी वायरल भी हुआ। तो आप सोचिए कि जब आप एक मुस्लिम इस्लामिक देश में, वहां पर निम्रा अहमद सुरक्षित नहीं है, निम्रा अहमद की इज्जत आबरू वहां पर सुरक्षित नहीं है, और मैं नाज़िया इलाही खान 82.7% सनातनियों की भीड़ में रहती हूँ और लोग मेरा पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं और दीदी बोलते हैं और कहते हैं आपको मेरी माँ के बन, तो मैं तो यहाँ ज्यादा सुरक्षित हूँ। तो इट्स हाई टाइम निम्रा कि अब आप लोगों को रोड पर उतरना चाहिए और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बात करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। अब फिर से हम टॉपिक पे आ जाते हैं, मालदीव्स, अनाज, इंसानियत, अनाज किसी को देना, खाना किसी को देना, इंसानियत का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वैल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, कर्तव्य होता है, और इस कर्तव्य से भारत के प्रधानमंत्री कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अगर यही अनाज किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान भेजा तो शायद मैं पार्टी छोड़ दूंगी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह के भरोसे चलेगा। पाकिस्तान जिस हिसाब से अपने आप को मुसलमान साबित करने में लगा हुआ है, और प्रॉफिट मोहम्मद के आप लोग फॉलोअर नहीं, इसीलिए आप पाकिस्तान के मर्दों के दिमाग में इतना आतंक दिमाग है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तलवार उठा करके नहीं कहे कि हम बहुत पीसफुल है, हम बहुत शांति प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति तलवार उठा करके ये कह रहा है कि हम बहुत शांति प्रिय है,
तो फिर वो तो उसका तलवार गवाही दे रहा है कि वो शांति प्रिय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई परसेप्शन, एज पर माई थिंकिंग, अनाज किसी को और अन्य किसी को और खाना किसी के भूख लगने पर देना मानवता का पहला कर्तव्य है। और मानवता के पहले कर्तव्य से लेकर के अंतिम कर्तव्य तक कभी भी सनातनी पीछे नहीं हट सकते, कभी नहीं हट सकते हैं। तो जब मालदीव्स को खाने खाने का भी लाले पड़ गए हैं, मालदीव्स खा नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है मोइजू चैन से, और घुटने पर टेक करके माफी मांग रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री ऐसे ही बहुत खूबसूरत इंसान है, भगवान का अवतार ही मैं उनको समझती हूँ, तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने कह दिया भैया खाना भेज दो बेचारों को, चाइना तो कुछ नहीं कर पाएगा, चाइना तो परेशान है, पाकिस्तान को ही भरते भरते, वो कच्चे वालों लोगों को भरते भरते, तो बेचारे मालदीव्स को हम ही कुछ कर देते हैं, तो कर दिया गया। मैम अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं, हिस्ट्री में भी जाए तो भारत ने मालदीव्स को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इवन मालदीव्स अपना बड़ा भाई बोलता था भारत को, तो आखिर क्या वजह बनी, क्या ये कॉन्स्पिरेसी चाइना की ही है कि चाइना ने अगेंस्ट इंडिया एक मुहिम जो है वो मालदीव्स के अंदर चला दी है जिसके बाद हमें ये सब देखने को मिला? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इवन खतर ने जो हमारे पूर्व 8 नेवी के गले का फांसी का फंदा तैयार किया था, वो भी चाइना और पाकिस्तान के कहने पर ही किया था, क्योंकि खतर में जब हमारे पूर्व 8 नेवी के डेथ पेनल्टी की जब खबर आई थी, उसके बाद उससे पहले कंटिन्यू खतर की मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट से और चाइना के ब्यूरोक्रेट से हो रही थी, और तब उनकी बातों में कन्विंस होकर के खतर ने इतना बड़ा निर्णय लिया था। पर जैसे ही खतर को भी समझ में आया कि ये वो गलत निर्णय ले रहा है, और ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे सिनेरियो पर जब भारत सबसे ऊपर अभी जा रहा है और आने वाले 2030 तक में आई रियली डोंट नो कि भारत कितना खूबसूरत होने वाला है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्राफ है, वो भारत को इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने वाला है, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे सिचुएशन पर खतर ने भी सोचा कि भाई पाकिस्तान और चाइना तू मुझसे दूर रहे, मैं 8 नेवी को बाइज्जत छोड़ रहा हूँ और मोदी जी को बुला करके मैं उनसे भाई बंद कमरे में माफी मांग ले रहा हूँ और उनको मैं समझा बुझा ले रहा हूँ कि जो भी हुआ वो गलती हो गई, अब और आगे से नहीं होगा भैया, आगे से भाई साहब नहीं होगा। तो वही किया खतर ने। मालदीव्स ने भी चाइना से मुलाकात की और उसके बाद फिर मोइजू ओथ लेने के बाद थोड़े उत्तेजित हो गए, उनको लगा कि भाई अब चाइना मेरे सपोर्ट में, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर जैसे ही समझ में आया कि भैया चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, टाइटाइफस हो गया है चाइना, तो फिर उनकी नींद जगी और मोइजू ने फिर से अपनी सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। अभी आप देखो कनाडा कितना, जस्टिन ट्रूडो कितना अपने आप को हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, हालांकि दिखता हीरो जैसा है पर चरित्र इतना खराब है, जस्टिन ट्रूडो का इतना चरित्र खराब है कि शक्ल की खूबसूरती पूरी खा गया है वो। तो अभी जस्टिन ट्रूडो भी चाहता है कि वो बंद कमरे में माफी मांग ले, लेकिन हमारे जेम्स बॉन्ड अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा है कि भैया तूने भारत को मलाइन किया था मीडिया के सामने, अब तू माफी भी मांग मीडिया के सामने। तो जैसे ही वो माफी मांग लेगा मीडिया के सामने, वो माइक भी हमारे रिलेशन कनाडा के साथ भी अच्छे हो जाएंगे। इवन मुझे याद है जब खतर में 8 पूर्व नेवी की फांसी का ऐलान हुआ था, तो मैं एक पाकिस्तान के हमजा के साथ बैठी हुई थी चैनल पे, मैंने वो प्रोग्राम भी देखा था। और वो कह रहा था देखा अब तो मोदी जी के रिलेशन जो है वो खतर के साथ, और मैं उसको बहुत पोलाइटली समझा रही थी कि आप देखिएगा 20-22 दिन के अंदर सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, बल्कि और भी ज्यादा बेटर हो जाएंगी, और जो खतर आज हमारा एक्वेंटेंस है वो हमारा फैमिली मेंबर बन जाएगा। और वो नेगेटिव बिल्कुल वहां भी सही थी जुबान वो बोले जा रहा था, और उसके बाद जो मैंने उसको दिया है, कह के दिया है, देखा क्या हिजड़ागिरी कर रहे हो बैठ करके यहाँ पर, मर्द की तरह बात कर लो भैया। मुझे लगता है पाकिस्तान में ना मर्द की कमी है, क्योंकि जो प्रॉपर मर्द होते हैं वो सबसे पहले तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, जो प्योर मर्द होते हैं वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, वो महिलाओं को अपने सरमत्ते बिठाते हैं, दूसरा कि वो अपने देश की तरक्की में अपने घर और परिवार की तरक्की ढूंढते हैं। और जिस हिसाब से आप लोगों के पब्लिक रिएक्शन की एक आध क्लिपिंग हमारे सामने आ जाती है, और जो मर्द इस तरह से बात करते हैं, अरे भारत क्या कर लेगा, साइंस तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या करना, चांद पे चला गया तो
अरे हम तो यहाँ पर बहुत है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतने बोल्ड और इतने क्रिस्टल क्लियर रिव्यूज दिए हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, और टॉपिक को आपने क्लियर किया व्यूवर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोग्राम को यहीं पर ही एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान को उसके औकात दिखा दी और बात की मालदीव से कनाडा तक। जैसे कि हम जानते हैं जो मालदीव का प्रेसिडेंट है वो कैसे अपने घुटनों पर आ गया और मालदीव के अकल ठिकाने आ गए और कैसे वो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।